क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, क्या मसला, क्या चल रहा है? अच्छा, ये बैगा टाउन जा रही है, यही एंट्री इसकी भाई, ये एंट्री यही है। जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ है और मैं मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है, साथ साथ आपने स्विमिंग पूल वाली जो बात बताई है जी, इस चीज का मुझे नहीं पता था। हम आज की तारीख में पोजेशन भी दे रहे हैं आपको, रिहाइश के साथ साथ पेमेंट का टाइम भी दे रहे हैं। जैसे आप एक किराए के घर में रहते हैं, आप किराया देते हैं 30% पेमेंट के साथ, आप यहाँ पर पोजेशन दे रहे हो, तो इसमें कोई सच्ची बात? काफी बड़ा एरिया है यार इसका, ये बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों ने ये पुरजोर फरमाइश की है कि आप क्या हर वक्त बैरिया टाउन में ही हमें दिखाते रहते हैं, तो आज भाई आप सबकी फरमाइश के ऊपर मैं बैरिया टाउन कराची से निकल कर आपके लिए कुछ अलग लेकर आया हूँ। तो ये अलग क्या होगा ये आपने वीडियो में आगे चलकर देखना, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरा ख्याल है कि आप सबको इंतजार है कि यार कोई इस तरह की भी चीज आनी चाहिए। तो मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराऊंगा, अभी हम आपको लेकर चलते हैं बैरियर टाउन का मेन गेट, यहाँ से बहुत ज्यादा करीब है, तो हम फटाफट से अभी निकलने वाले, तो इंतजार नहीं कराते आपको, भाई आज मेरे साथ आए, इंशाल्लाह आपको आगे लेकर चलते। अरे भाई ये क्या हो गया, ये पता नहीं हमारे हम लोगों को जल्दी किस बात की होती है। क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, क्या मसला, क्या चल रहा है, सबको जल्दी। हैदराबाद वाली साइड से आ रहे हैं, तो आपने यहाँ से टर्न लेना है, ये आप देख रहे हैं। ये एंट्रेंस है इसकी, एंट्रेंस इनसे पूछें, यही जरा पता करें ना इनसे। अस्सलाम वालेकुम, इसकी एंट्रेंस यही वाली है, एंट्रेंस यही वाली है इसकी, मेन एंट्रेंस आगे हुई। यार ये सीन तो बड़ा मुझे जबरदस्त नजर आ रहा है, बाकी इसकी एंट्री और ये है। ये इससे पूछे ना भाई, ये एंट्री यही है ना, यही एंट्री इसकी। अच्छा गेट ठीक है, अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, एंट्री होती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये इन अपार्टमेंट्स की लॉबी है, जो कि आपको हर अपार्टमेंट में मिल जाती है। लॉबी आप देखें, आपका देख के दिल खुश हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से हम अंदर जाते हैं और सामने आपको जो है वो स्टेयर्स नजर आती हैं, और साथ ही आपको लिफ्ट्स नजर आती हैं। इन्हीं लिफ्ट्स का इस्तेमाल करके हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर आपको अपार्टमेंट का विजिट कराएंगे, और अपार्टमेंट का विजिट हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं लाउंज, लाउंज देखें, किचन देखें, अच्छा खासा बड़ा लाउंज है ये 4 बेडरूम्स का अपार्टमेंट है। ये देखें, ये एक रूम तैयार किया गया है, ये जिस तरीके से तैयार हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। वॉशरूम की स्पेस भी अच्छी खासी बड़ी है, आप चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके साथ साथ आपको हम दिखा देते हैं इसका रूम नंबर 2, थोड़ा सा आगे जाकर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ गया रूम नंबर 2, यहाँ पर एक भाई हमारे बिजी है अंदर। रूम नंबर 3 आपको दूसरी तरफ नजर आता है, ये रूम नंबर 4 भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसका वॉशरूम आप देख लें, और इसके बाद मैं आपको ये एक सामने रूम दिखा देता हूँ, ये वाला रूम आप चेक करें। रूम्स की स्पेस मुझे अच्छी लगी है, बहुत छोटी स्पेस नहीं है, साथ साथ इसका भी वॉशरूम देखें, सारे वॉशरूम आपको जो है वो इतने छोटे छोटे आपको नजर नहीं आएंगे। अब जो रूम रह गया था वो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आ गया इसका ये एक और रूम जो आपको नहीं दिखा सके, इस रूम की स्पेस, ये रूम मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, या मेरा ख्याल है मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से निकल कर हम दिखा देते हैं टेरेस का एरिया, टेरेस का एरिया ये आपको यहाँ पे जो विंडो नजर आ रही है, विंडो से निकल कर आप जाएंगे बाहर वाली साइड पे, तो यहाँ से आप इसका पार्क का जो व्यू है वो अच्छा सा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये इसका टेरेस है, सामने ग्रिल्स लगाई गई हैं ताकि अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो वो उनकी 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 जो सिक्योरिटी है, उनका जो सेफ्टी पर्पज़ है, वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से निकल के अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं, ड्राइंग रूम की स्पेस भी अच्छी खासी बड़ी है, एक वॉशरूम दिया गया है ताकि अगर आपके गेस्ट आए तो उनको वॉशरूम यूज़ करना पड़े तो उनके लिए कोई परेशानी ना हो। साथ साथ अब यहाँ से निकल के मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो किचन है, किचन आपको शुरू में बहुत थोड़ा सा दिखाया था, तो अब आप जाके देख सकते हैं इसको कि ये किचन है इसका, यहाँ पे कैबिनेट्स वगैरह, किचन ये खुद बनाकर नहीं देंगे, अगर आप इसको परचेज करेंगे किचन आपको खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से ही किचन को डिज़ाइन करवाता है। Finally we are here. अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नकाश साहब, कैसे हैं भाई? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं खैरियत से? जज़ाकअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये बड़ी जबरदस्त चीज आप लोग बना रहे हैं, स्पेशली मैं एक चीज के बारे में जरूर जानना चाहूंगा, मेरे व्यूवर्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताऊँ की यहाँ पर 2 कमरों के, 3 कमरों के और 4 कमरों के आपके पास अपार्टमेंट है, लेकिन जो अट्रैक्ट कर रही है ना जो चीज, वो ये है कि मतलब 30% पेमेंट के साथ आप यहाँ पर पोजेशन दे रहे हो, तो इसमें कोई सच्ची बात है ये आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास यहाँ पे 5 कैटेगरी की अपार्टमेंट, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आप अपार्टमेंट बुक कराते हैं हमारे पास, तो हम ऑप्शन ये दे रहे हैं, आपने टोटल कॉस्ट का जस्ट 30% पे करना है। ओके, 30% पे करने के बाद हम आपको देंगे पोजेशन, ओके, आपने रिहायश अख्तियार करनी, ठीक है, और उसके बाद आपने रहते हुए 3 साल में बाकी पेमेंट देनी। 30% पेमेंट के साथ आप लोग यहाँ पे रिहायश दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर फैमिलीज रह रही है? बिल्कुल, फैमिलीज आ चुकी है जिन्होंने यहाँ पे रिहायश शुरू कर दी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज के बारे में मैं जानना चाहूंगा, मैंने किसी से सुना था, ठीक है, अभी सारी सुनी सुनाई बातें हैं जिसकी तस्दीक मैंने आपसे करनी है। बिल्कुल, मैंने ये सुना था कि भाई यहाँ पर आप लोग जो है वो साथ साथ ये भी ऑफर
ऑफर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर रहते हुए तो आप जो है वो किस्तें दें, लेकिन एक चीज और कि आप लोग ये भी ऑफर कर रहे हैं कि यार ऐसा जो रेट है आप लोगों का जो रेट है मतलब मार्केट से भी कम है आप लोग। बिल्कुल ऐसे ही, जब भी देखें क्लाइंट किसी चीज को लेने के लिए आते हैं तो मोस्टली लोगों की कोशिश होती है जब उनके पास आके कहीं और ना जाए, ठीक है, लेकिन जब क्लाइंट हमारे पास आता है उनको खुद रेकमेंड करते हैं कि आप सराउंडिंग विजिट करें, वहाँ से रेट कंपेयर करें, देन हमारे पास आए। सराउंडिंग में अभी जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको मजीद टाइम दरकार है अभी पोजेशन देने के लिए, ठीक है, हम आज की तारीख में पोजेशन भी दे रहे हैं आपको, रिहाइश के साथ साथ पेमेंट का टाइम भी दे रहे हैं। जैसे आप एक किराए के घर में रहते हैं वहाँ किराया देते हैं, यहाँ पे सूरत हाल उसी तरह से होगी, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उस चीज का 100% ओन कर रहे होंगे। ओके, अच्छा एक चीज और मैं साथ जानना चाहूंगा, सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो दो कमरों का अपार्टमेंट्स हैं उनका साइज क्या है। देखिए मैं आपको सारी कैटेगरी वन बाय वन बता देता हूँ। टू बेड डीडी हमारे पास 900 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, और उसके बाद टू बेड डीडी जो बड़ा साइज है हमारे पास 1200 स्क्वायर फीट पर है। थ्री बेड डीडी आता है हमारे पास, उसमें भी दो कैटेगरीज है, 1400 स्क्वायर फीट पर है और 1700 स्क्वायर फीट पर। फिर सबसे बड़ी कैटेगरी है हमारे पास 2200 स्क्वायर फीट पे फोर बेड डीडी फोर बेडरूम जी, ठीक है। तो इस तरह से टोटल ये पांच अपार्टमेंट पांच कैटेगरीज बनती है, ठीक है। मैं इस रेट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि जो हमने सुना है कि मार्केट से आप लोग काफी कम ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल, तो थोड़ा सा अगर मैं जानना चाहूँ इस बारे में मैं उसमें बताता हूँ आपको। देखिए मैं कैटेगरी वाइज जैसे मैं आपको अलग अलग बताया उनके रेट्स बता देता हूँ। 137 का हमारा स्टार्टिंग प्राइस है 900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जो है, ओके। उसके बाद जब हम 1200 स्क्वायर फीट पे आते हैं टू बेड डीडी तो वो 190 की कॉस्ट है, ओके। 1400 स्क्वायर फीट वाला हमारा अपार्टमेंट है उसकी जो कॉस्ट आती है वो 2.5 करोड़ रुपए है, ठीक है। फिर 1700 स्क्वायर फीट पे थ्री बेड डीडी है उसकी कॉस्ट है 2.57 करोड़ रुपए, ठीक है। और फोर बेड जो सबसे बड़ी लग्जरी कैटेगरी हमारे पास उसकी कॉस्ट है 3.32 करोड़ रुपए। अच्छा इसको थोड़ा सा अगर आसान करना चाहूँ मैं, मुझे ये बताएं कि अगर इसको हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। देखिए इसको हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करें अगर तो तकरीबन 15,000 से 15,500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट आता है, जबकि सराउंडिंग में इस वक्त जो रेट चल रहा है वो एटलीस्ट 17,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। एक और चीज मैंने पूछनी है भाई, कराची वाले हमारे जो है वो परेशान रहते हैं अपार्टमेंट्स में पार्किंग स्पेस, तो आप लोगों के पास पार्किंग स्पेस का कोई मसला तो नहीं होगा? कराची वाले तो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पार्किंग उसमें से एक मसला है। यहाँ पे हमने जिस तरह हर टावर को अलग अलग रखा है कैटेगरी वाइज, तो हर टावर के नीचे प्रॉपरली स्पेस दिया हुआ है हमने पार्किंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा दो बहुत बड़े मसले हैं कराची के जो मैं अक्सर मेंशन करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, एक सिक्योरिटी है, दूसरा मीठा पानी है, ठीक है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि गेटेड कम्युनिटी की तरह इसको बनाया गया है, इसमें कैमराज इंस्टॉल है, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है, प्लस ये कि हमने हर टावर को अलग रखा है तो उसके हर टावर का पानी का कनेक्शन, मीठे पानी का कनेक्शन अलग है, ठीक है। हर टावर का अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक भी अलग बनाया हुआ है, दो बड़े मसले, एक मीठा पानी, दूसरा सिक्योरिटी, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा ये बताएं सिक्योरिटी की जहाँ तक आपने बात की है तो किस तरह इसको आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं सिक्योरिटी के मसाइल को, या अगर इस तरह के फ्यूचर में जब यहाँ पे रिहाइश बहुत ज्यादा होगी तो क्या आप लोगों के प्लान्स हैं, क्या आप लोगों ने क्या हिम्मत हमने अपनाई है? इसको बहुत हर चीज को बड़ा कैटेगराइज करके यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमने सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करे हुए हैं, कैमराज इंस्टॉल हुए हुए हैं हमारे बाहर पार्क को फेसिंग में कर रहे हैं, इवन हमारे हर टावर के अंदर हर फ्लोर पे कैमराज लगे हुए हैं, ओके। और हर टावर जैसे अलग है तो हर टावर का अपना सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम अलग बनाया हुआ उनके नीचे, मीटर रूम भी है उसका अलग है और पंप स्टेशन भी अलग है। अच्छा जो सबसे मजे की बात है बच्चों के लिए मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम जरा आगे जाके दिखा भी हमारे यहाँ पे ये पूरे जो पार्क हमने स्पेस बनाया है करीब 1 एकड़ के करीब का स्पेस है, ये 1 एकड़ के ऊपर आप लोगों ने ये पार्क बनाया है? बिल्कुल, इस पे पार्क बनाया है, पार्क के अंदर हमने स्विमिंग पूल भी बनाया है, अरे वाह भाई, प्ले एरिया भी दिया है बच्चों के लिए, प्लस जॉगिंग ट्रैक भी बनाया है, जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ है, और मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है, साथ साथ आपने स्विमिंग पूल वाली जो बात बताई है इस चीज का मुझे नहीं पता था। बिल्कुल, जो आपको बीच में फाउंटेन दिख रहा है वो हमारा एक प्रॉपर पूरा स्विमिंग पूल है, उसके बीच में हमने फाउंटेन इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा ये जो सामने मुझे नजर आ रहा है गालिबन इसी के बारे में शायद आप बात कर रहे हैं, अच्छा मतलब साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज भी हैं बच्चों के लिए? बिल्कुल, मतलब हमने आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया है इस बाउंड्री वॉल के अंदर कि आपके बच्चे आपकी नजरों के सामने एक सेफ एनवायरनमेंट में खेल रहे होंगे, अच्छा एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग भी सुकून में रहेंगे। अच्छा दूसरी जो मैंने चीज देखी है, मैं जब अभी अंदर आ रहा था तो मुझे गेट पे रोक लिया गया, मुझे अंदर नहीं आने दिया। बिल्कुल ऐसे, तो ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ये तो मेरा ख्याल है बैरिया टाउन में भी नहीं। ये जब मैंने अभी सिक्योरिटी की बात करी उसी का एक नमूना था आपके लिए। जी जी, मुझे रोक दिया। जब फैमिलीज यहाँ पे रह रही है तो हमें प्रायोरिटी है उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए, ठीक है। तो किसी कोई स्ट्रेंजर इस तरह से अंदर नहीं आ सकते, और एक डबल चेक सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास है, इवन जो यहाँ फैमिलीज रह रही हैं उनका भी कोई अगर गेस्ट आता है यहाँ पे तो पहले मेन गेट पे उस गेस्ट की एंट्री होती है, ओके। फिर वो उनके टावर तक आते हैं क्योंकि हर टावर अलग है, सही, सही। टावर के नीचे रिसेप्शन भी सबके अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो उस रिसेप्शन पे आके अगर उस रिसेप्शन पे उनकी सेकंड एंट्री हुई भी तो वो अपार्टमेंट में जाएंगे, अदरवाइज वो नीचे वेटिंग एरिया में रुकेंगे। अच्छा लास्ट में आपसे इतना टाइम लिया आपका मैंने, कोई बात, एक चीज ये जानना चाहूंगा अगर मेरे रेफरेंस से कोई आता है तो भाई उसके लिए क्या स्पेशल कुछ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि उनको आप डिस्काउंट ऑफर करें इसमें, कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी इसमें? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज निकालेंगे इंशाल्लाह, आपके रेफरेंस से जो जो क्लाइंट आएंगे उनके लिए हम स्पेशल ऑफर भी देंगे, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वेलकम, नाइस टू मीट यू। आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप
आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि यहाँ पर बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल करीब है, शहर से भी बहुत ज्यादा करीब है। शहर में इसलिए कहता हूँ कि जैसे जैसे आप करियर टाउन या हाईवे की तरफ जाते हैं तो लोग जो है वो इतना दूर जाना पसंद नहीं करते। ओके, फाइनली अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं, भूख बड़ी लग चुकी है भाई। और दानिश भाई सॉरी यार, आपको वेट कराया मैंने यार। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि 40 लाख रुपए में आप डाउन पेमेंट देके इसमें फौरी रिहाइश कर सकते हैं, तो इस चीज को आप क्लियर कर लें। A few inches late. बड़ा रश लगा हुआ यार, क्या हो गया? सब खैर तो है, जाते हुए भी रश, आते हुए भी रश, समझ में नहीं आ रही मुझे ये सीन क्या है। वैसे भी जा रही है। अच्छा, ये बैरिया टाउन जा रही है, ये देखो ये भी घूमने के लिए आई है। ये देखो भाई बैरिया टाउन है। हम लोग आ चुके हैं वापस बैरिया टाउन में और ये आप देख सकते हैं जब हम जा रहे थे तब भी रश था और अभी हम वापस आए हैं तो भी आपको रश ही नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा रश हो रहा है यार ये तो। अब ये देखो क्योंकि जब हम जा रहे थे आपने आपको याद होगा उस वक्त भी बड़ा रश था और अभी हम वापस अंदर एंटर होने लगे तो अभी भी हमें रश मिलता है। तो अब ये सूरत हाल जो है वो आपको नजर आती है, जो आप कहते थे ना आराम आराम से चले जाओ ये वो, अब वो वाले सीन्स नहीं है भाई यहाँ पे आपको। मेरा ख्याल है ये जो ये लेंस है ना ये इन्होंने अब जो है वो खोलते हैं बंद करते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ होता है ना। अगर आपका टैग लगा हुआ है ना, अगर आप बैरिया टाउन के रेजिडेंट हो और आपका रेजिडेंट कार्ड है या ई टैग आपने लगाया हुआ है तो आपके लिए थोड़ी सी आसानियां हो सकती हैं यहाँ से। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा खाने का प्लान था कराची में लेकिन दानिश भाई ने कहा कि यार नहीं यार हम बैरिया टाउन पहुंच के ही कुछ ना कुछ खाएंगे, हम जाकर अभी अपना खाना एंजॉय करेंगे। मैंने आपको बता दिया अल फजर अल फजर अल फजर, अभी वहां वहीं जा रहे हैं ना। अभी हम खाना अपना एंजॉय करेंगे और आपसे इजाजत चाहूंगा आज की वीडियो से इंशाल्लाह ताला, एक दफा फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे साथ दानिश तहसीन मौजूद थे, उनको भी इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज़।